हाय वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डील विथ फेक कैंडिडेट्स। ओके, सो दोस्तों फेक कैंडिडेट को कैसे डील करें। दोस्तों अगर आप किसी यूएस स्टाफिंग कंपनी में काम करते हैं और आप किसी कॉप्टिको पोजिशन पे काम करते हैं तो मैक्सिमम आपको फेक रेज्यूमेस मिलते हैं या फेक कैंडिडेट्स मिलते हैं, तो उनको कैसे डील करना है, उनसे कैसे निपटना है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। या उन फेक रेज्यूमेस को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फेक कैंडिडेट्स को, फेक एक्सपीरियंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फेक वीजा को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सो इस बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। मान लीजिए दोस्तों आपको कोई भी कॉप टू कॉप पोजिशन आपको असाइन होती है, और जैसे ही आपको कोई भी कॉप टू कॉप पोजिशन असाइन होती है, सबसे पहले आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद आप एक बुलियन सर्च स्ट्रिंग बनाते हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन को सबसे पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, और उसके बाद आप उस जॉब को गूगल ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि कॉप टू कॉप पोजीशन है तो आप उसे गूगल ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं, या फिर अपने लिंक्डइन आईडी में पोस्ट कर देते हैं जॉब ओपनिंग को, या किसी भी जॉब साइट्स पे आप उस जॉब को की पोस्टिंग कर देते हैं, या फिर आप एटीएस के थ्रू मास मेलिंग कर देते हैं, या आप किसी भी जॉब साइट्स का यूज करके कैंडिडेट के रेज्यूमे को सर्च करते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही आप किसी भी जॉब को आप पोस्ट करेंगे लिंक्डइन पे, या जॉब पोस्टिंग करेंगे या गूगल ग्रुप में करेंगे, तो आपके पास 200-300 रेज्यूमे आ जाते हैं या ज्यादा रेज्यूमे आ जाते हैं। ये आपके कनेक्शन पे या आपके ये कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने रेज्यूमे मिलते हैं। तो आपको सभी रेज्यूमे को आपको स्क्रीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर आप स्क्रीन भी करते हैं तो आपको मैक्सिमम क्या होगा कि आपने कोई भी जॉब पोस्ट की या लिंक्डइन पे की या गूगल ग्रुप पे की या जॉब पोस्टिंग की या एटीएस के थ्रू मास मेलिंग की, तो आपको रेज्यूमे काफी सारे रेज्यूमे मिल जाएंगे, और सबके पास 10+ जो भी रेज्यूमे मिलेंगे सबके पास 10+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा। वो सब मैक्सिमम ग्रीन कार्ड होंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट ये दावा करेंगे कि दे हैव द ग्रीन कार्ड और दे हैव द H1 वीजा। ओके, एंड सो इस तरह के रेज्यूमे आपको मिलेंगे। आपको जो भी रेज्यूमे मिलेंगे वो आपको 10+ मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम रेज्यूमे फेक रेज्यूमे होंगे, तो उनको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, जैसे कि एज पर द योर जॉब पोस्टिंग आपको यू नीड समवन हु हैव एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू नीड समवन हु हैव एज पर योर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली जैसे ही आप जॉब पोस्टिंग करेंगे तो जिन जिन कैंडिडेट जो फेक कैंडिडेट्स हैं उनके पास जैसे ही आपका जॉब डिस्क्रिप्शन पहुंचे मिलेगा उनको, तो वो अपने रेज्यूमे को मॉडिफाई कर लेंगे और एज पर योर जॉब डिस्क्रिप्शन बना के वो आपको भेज देंगे। इस तरह आपको 100-200 रेज्यूमे या 300 रेज्यूमे मिल जाएंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको लगेगा दिस इज द गुड रेज्यूमे, लेकिन आपको 200-300 रेज्यूमे मिल जाएंगे तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, आपको कैंडिडेट को जज करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कैंडिडेट जेन्युइन है या नहीं है, कैंडिडेट का एक्सपीरियंस जेन्युइन है या नहीं है, कैंडिडेट का वीजा जेन्युइन है या नहीं है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। आप जैसे ही आपको अगर 10+ ईयर और एज पर योर जॉब डिस्क्रिप्शन कोई भी कैंडिडेट मिल गया तो आप उसे सबमिट नहीं कर सकते, आपको चेक करना पड़ेगा। सो इस बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। जैसे ही आप कॉप टू कॉप पोजीशन पर काम कर रहे हैं, आपको एक मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं, 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं हम। आपने जैसे जॉब पोस्टिंग की आपको एक 12 साल एक्सपीरियंस कैंडिडेट मिला, ठीक है, एंड ही इज क्लेमिंग दैट ही हैज H1B वीजा। ओके, सो ठीक है, आपके पास 12 साल एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट का रेज्यूमे मिला, वो कैंडिडेट ये क्लेम कर रहा है कि वो उसके पास H1B वीजा है और वो जस्ट अभी इसी सेम ईयर में आया है ना, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि दिस कैंडिडेट है H1 वीजा एंड दिस कैंडिडेट यू नो केम इन US इन सेम ईयर। ओके, सो सबसे पहले तो आपको कुछ कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछना है, कुछ डॉक्यूमेंट मांगना है। सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट का H1 वीजा मांगना है, कैंडिडेट का DL कॉपी मांगना है, कैंडिडेट का पासपोर्ट नाम पीपी नंबर, पासपोर्ट नंबर को शॉर्ट में पीपी नंबर बोलते हैं, वो मांगना है,
और कैंडिडेट का फुल डीओ भी मांगना है, ठीक है। ये सारी चीज अगर कैंडिडेट शेयर करता है आपको, तो उसके बाद कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करना है ना। सबसे पहले तो हम कैंडिडेट के जो पासपोर्ट जो है, कैंडिडेट की ट्रैवल हिस्ट्री और I-94 चेक करेंगे, ठीक है। सो इससे हमें पता लग जाएगा कि कैंडिडेट जेन्यून है या नहीं, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको 3 तरह के कैंडिडेट मिलेंगे। आपको जेन्यून कैंडिडेट मिलेंगे, काफी कम मिलेंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस भी जेन्यून होगा और वीजा भी जेन्यून होगा। दूसरा, आपको जेन्यून वीजा विथ फेक एक्सपीरियंस मिलेगा। और तीसरा, आपको फेक एक्सपीरियंस विथ फेक वीजा मिलेगा, ठीक है। तो है ना, तो अब हम ये 3 तरह के वीजा आपको, कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको कैंडिडेट के ट्रैवल हिस्ट्री चेक करना है। ट्रैवल हिस्ट्री चेक करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। कैंडिडेट का फुल लीगल नेम आपको चाहिए, है ना। आपको कैंडिडेट का फुल लीगल नेम कैंडिडेट से मांगना है, या कैंडिडेट जो भी वीजा शेयर कर रहा है या डीएल को शेयर कर रहा है, तो उससे देखकर आपको पता लग जाएगा कैंडिडेट का फुल लीगल नेम। फिर कैंडिडेट का आपको फुल डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डीओ भी चाहिए। इसके बाद आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट नंबर चाहिए। इसके बाद एक वेबसाइट होती है यूएस गवर्नमेंट की, उस पे जाके आपको सबसे पहले ट्रैवल हिस्ट्री चेक करना। तो उसके लिए आपको कैंडिडेट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको मेंशन करना होगा। फिर कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, आपको फुल डेट ऑफ बर्थ और करेक्ट डेट ऑफ बर्थ डीओ भी आपको मेंशन करना होगी। फिर कैंडिडेट का पासपोर्ट नंबर आपको मेंशन करना होगा। और कैंडिडेट किस कंट्री से है, इंडिया से है, यूएस या किसी भी कंट्री से है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, या जापान से, चाइना से, जो भी है, या फिलीपींस या इंग्लैंड, जो भी है वो आपको मेंशन करके सर्च करना है। अगर कैंडिडेट जेन्यून है तो उसकी आपको, जैसे आप सर्च करेंगे, तो अगर कैंडिडेट जेन्यून है तो आपको कैंडिडेट की ट्रैवल हिस्ट्री मिल जाएगी। ट्रैवल हिस्ट्री में हमें सिर्फ यही इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैंडिडेट यूएस में कब आया और यूएस से कब गया, है ना। अराइव और डिपार्चर मिलेगा, ठीक है। तो हमें ट्रैवल हिस्ट्री से ये पता लग जाएगा कि कैंडिडेट यूएस में कब आया। अब कैंडिडेट, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है कि कैंडिडेट हैव 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड कैंडिडेट हैव H1 वीजा, ठीक है। तो ट्रैवल हिस्ट्री से हमें सिर्फ, और कैंडिडेट ने ये कहा हमें कि इस साल ही आया, तो ट्रैवल हिस्ट्री से हमें सिर्फ यही पता लगा कि जो कैंडिडेट 2024 में ही आया है, वो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम भी जेन्यून है और लास्ट नेम भी जेन्यून है, और कैंडिडेट की डीओबी भी जेन्यून है, उसका पासपोर्ट नंबर भी जेन्यून है ना। ये इन्फॉर्मेशन मिली। अब इसी में ही ट्रैवल हिस्ट्री के एक नीचे वाले कॉलम में आपको I-94 मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट की I-94 जो हिस्ट्री वो पता लग जाएगी। तो I-94 पे क्या होगा कि अगर कैंडिडेट H1 वीजा पे आया है तो I-94 में H1 वीजा लिखा होगा, या कैंडिडेट अगर ओपीटी विद F1 पे आया है तो कैंडिडेट का F1 वीजा लिखा रहेगा। इस तरह से आपको कैंडिडेट का वीजा पता लग जाएगा। अगर कैंडिडेट ये बोल रहा है कि वो H1 पे आया है, मान लीजिए वो F1 पे आया है और आपको बोल रहा है कि वो H1 पे आया हो, तो हमें I-94 से पता लग जाएगा कि व्हाट इज कैंडिडेट एक्चुअल वीजा स्टेटस, है ना। तो इससे तो हमको पता लग जाएगा कि कैंडिडेट का, अगर I-94 पर H1 अगर मेंशन है तो इसका मतलब यही होगा कि कैंडिडेट जेन्यून है। अगर I-94 हिस्ट्री अगर आपको नहीं मिल रही है, ट्रैवल हिस्ट्री मिल रही है और I-94 नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कैंडिडेट जेन्यून है या नहीं है। फिर इसके बाद आपको कैंडिडेट का H1 वीजा चेक करना है ना। तो H1 वीजा जो होता है ना, तो H1 वीजा भी एडिट हो जाता है। तो फेक H1 बनाना भी काफी इजी है, कुछ कंपनियां बनाती है ना। तो इसीलिए तो हमें चेक करना है। तो H1 वीजा जो है तो उसको चेक करना, उसमें एक बारकोड होगा, ठीक है। तो आप कैसे चेक करेंगे, पहले तो आपको जो भी कैंडिडेट का नेम लिखा है, एड्रेस लिखा है, कंपनी का नाम लिखा है, वैलिडिटी वो देखना है। उसके अल्फाबेट को थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको देखना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ आड़े तिरछे तो नहीं है। फिर जो H1 वीजा होता है, इसमें एक बारकोड होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। H1 के 2 पेज होंगे, एक फर्स्ट वाला और एक नीचे वाला। तो उसमें बारकोड होगा और बारकोड के पास में एक नंबर लिखा होगा। तो कई सारे स्कैनर अवेलेबल हैं, तो उस स्कैनर का यूज करना है, थोड़ा सा एनलार्ज करना है उसका बारकोड, और आपको उसका स्कैन करना है। स्कैन करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, फिर उस नंबर को, जो बारकोड के नीचे ही एक नंबर लिखा होगा, उससे वेरीफाई करना है। अगर वो जो स्कैन किया है आपने,
वो स्कैन करेंगे तो एक बारकोड आपको अपने मोबाइल पे दिखाई देगा, तो वो आपको चेक करना है सेम नंबर है या नहीं, है ना। ऐसे ही ऊपर वाला भी करना है और नीचे वाला बारकोड भी करना है। अगर सेम है तो इसका मतलब है कैंडिडेट जेन्यून है, और अगर सेम नहीं है, अगर कुछ भी नंबर आ रहा है उल्टा सीधा कुछ भी नंबर आ रहा है जो मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कैंडिडेट इज फेक। तो ऐसे कैंडिडेट को आपको एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए वीजा भी जेन्यून है ना, तो आपको एक चीज ध्यान देना है, आपको उन्हीं अगर कोई कैंडिडेट क्लेम कर रहा है कि उसको 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको उसकी डीओबी चेक करना। डीओबी अगर उसकी 91 है, 90 है, या 90 से पहले की है, या मैक्सिमम 93 तक की है, तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इसका डेट ऑफ बर्थ 93 है तो ये कैसे इसको 12 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। इसका एजुकेशन भी आपको चेक करना है। कोई भी व्यक्ति 20-22 साल में अपना बैचलर डिग्री करता है, ये 22-23 में, और उसके बाद 12 साल का एक्सपीरियंस तो आप जोड़ सकते हैं, और अगर 93 है उसका तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर किसी भी कॉप टू कॉप पोजिशन पे काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम मेरा यही रहेगा कि आपको जो डीओबी है कैंडिडेट की 90 तक, 1990 तक का ही आपको, अगर कोई भी जेन्युइन कैंडिडेट चाहिए तो 1990 या 91 या 92 तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन 92 या 93 के बाद का आपको कोई भी कैंडिडेट को एंटरटेन नहीं करना है। अगर 93 या 92 के बाद का कोई भी कैंडिडेट है वो 12 साल एक्सपीरियंस मेंशन कर रहा है, तो हायर पॉसिबिलिटी है कि वो फेक कैंडिडेट है। तो देखिए, आपने ट्रैवल हिस्ट्री चेक कर ली, ट्रैवल हिस्ट्री करेक्ट है कि कैंडिडेट ने बोला है कि 2024 में वो यूएस में आया, ठीक है, वो वेरीफाई हुआ। I-94 में भी अगर हमें कैंडिडेट का स्टेटस H1 दिखाई देता है तो वो भी वेरीफाई हो गया, और हम H1 वीजा को चेक करेंगे, ठीक है। तो H1 वीजा में भी अगर जो पहले का जो फर्स्ट पेज पे जो स्कैनर है और जो लास्ट पेज पे जो स्कैनर है वो भी अगर ठीक रहा तो H1 में भी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद हमको कैंडिडेट के रेज्यूमे को चेक करना है। वे कैंडिडेट को हम कॉल करेंगे, ठीक है, कैंडिडेट को कॉल करेंगे और कैंडिडेट से उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, वेर यू आर वर्किंग राइट नाउ, एंड व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर परफॉर्मिंग इन योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई यू वॉन्ट टू चेंज, व्हाट इज योर प्रेजेंट लोकेशन। ओके, एक चीज आपको ये देखना है कि आपकी अगर जॉब लोकेशन प्रिंसटन न्यू जर्सी है और कैंडिडेट कैलिफोर्निया में है और राइट नाउ ही इज वर्किंग, और तो आपको पूछना व्हाई यू वांट टू कम, और कैलिफोर्निया से अगर वो न्यू जर्सी आना चाहता है तो क्यों आना चाहता है, मे बी पॉसिबल वो फेक हो, ठीक है। तो आपको कैंडिडेट के रेज्यूमे को चेक करना है, उसके रेज्यूमे में देखना है कि कैंडिडेट ने क्या एक्सपीरियंस मेंशन किया, फिर आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछना है। ओके, सो यू मेंशन यू हैव 12 इयर्स ऑफ जावा डेवलपर एक्सपीरियंस, ओके, सो व्हाट आर द योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जावा डेवलपर, और जावा डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, सो तो आप ये क्वेश्चन पूछेगा तो कैंडिडेट आपको कुछ भी मेंशन कर देगा, कुछ भी बोलेगा, है ना। अगर फेक रेज्यूमे होगा तो कहीं से भी पढ़ के बोलेगा, तो अगर कोई भी पढ़ के आपको बोलेगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ही इज रीडिंग फ्रॉम समवेयर, ओके। सो अगर जेन्यून है तो जब आप जेन्यून कैंडिडेट से बात करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि दिस इज अ जेन्यून कैंडिडेट। उसके बाद आपको उसके जो भी उसका रेज्यूमे देखना है कि अगर उसने स्प्रिंग लिखा हुआ है, स्प्रिंग इज अ वेब डेवलपमेंट वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, राइट है। सो आपको पूछना है व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज यू नो हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन स्प्रिंग, तो बोलेगा आई हैव 7 इयर्स एक्सपीरियंस, सो राइट नाउ आर यू यूजिंग स्प्रिंग, या आई एम यूजिंग, तो आपको क्वेश्चन पूछना है फौरन व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्रिंग इन योर प्रेजेंट प्रोजेक्ट, तो आपको देखना है, जज करना है कि वो कितना समय ले रहा है, क्या वो उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में इज टेकिंग टाइम, ओके। सो जेन्युइन एक्चुअली फेक कैंडिडेट क्या होते हैं कि जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन किया तो पहले थोड़ा बहुत घुमाएंगे आपको, और कहीं से वो या तो लैपटॉप में या मोबाइल में कोई उनको सर्च करके या चैट जीपीटी के थ्रू कहीं से वो पढ़ के फिर थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, फिर वो पढ़ के बताएंगे, तो उससे भी पता लग जाता है। या आपको जब भी आपको कैंडिडेट को चेक करना है एक तो कैंडिडेट को वीडियो कॉल करना है, आपको एक गूगल मीट या जूम या वेबएक्स आपको
ऑर्गेनाइज करना है और फिर कैंडिडेट से टेक्निकल क्वेश्चन पूछना, फिर आपको चेक करना है कि कैंडिडेट कैसे आंसर कर रहा है, कहीं इधर या उधर ऊपर या नीचे कहीं देख रहा है। अगर कैंडिडेट आपकी ओर ना देख के बार बार कहीं और देख रहा है पढ़ने के लिए, अगर फेक कैंडिडेट है तो कहीं से वो पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो इधर उधर अपनी नजरें करेगा, ठीक है, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा दिस इज अ फेक कैंडिडेट, ठीक है। सो आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछना है हर, उसने जो जो अगर किसी कैंडिडेट ने जो जो स्किल्स मेंशन की हुई है, जैसे कि उसने AWS लिया, तो आपको पूछना है हाउ यू नो यू मेंशन यू हैव अमेजोन वेब सर्विसेज एक्सपीरियंस, सो व्हाट इज द रोल ऑफ अमेजोन, सो हाउ मेनी, सो आई थिंक यू ऑल्सो मेंशन S3, सो व्हाट इज द रोल ऑफ S3, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछना है। अगर मान लीजिए आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है एज ए रिक्रूटर, फिर भी आपको पूछना व्हाट इज द रोल ऑफ S3, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है क्वेश्चन, एक्सप्लेन कैंडिडेट को करना है, तो आपको कैंडिडेट से पूछना व्हाट इज द यू नो व्हाट इज द यू नो रोल ऑफ काफ्का, व्हाट इज द रोल ऑफ यू नो कोरजावा, व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन योर प्रेजेंट प्रोजेक्ट, तो ऐसे पूछना है। अगर कैंडिडेट ठीक से जवाब कर रहा है, फ्लुएंटली आंसर कर रहा है, तो आप चेक तो कैंडिडेट पॉसिबिलिटी है जेन्यून है, तो ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये हुआ H1 है ना, ये हमने जो हमारा ये एग्जाम्पल था, ये जेन्यून कैंडिडेट का एग्जाम्पल था, ठीक है। इसमें आपने ट्रैवल हिस्ट्री चेक की, इसमें I-94 चेक किया, इसमें आपने कैंडिडेट का वीजा चेक किया, H1 वीजा चेक किया, DL चेक किया, DL में जनरली आपको DOV चेक करना है और एड्रेस चेक करना है। इसके बाद आपने कैंडिडेट का रेज्यूमे को चेक किया, कैंडिडेट से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, तो कैंडिडेट जेन्यून है, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन आपके पास ये आ सकती है, किसी कैंडिडेट ने आपको 12 साल एक्सपीरियंस, 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अपने रेज्यूमे को, मतलब आपने किसी भी कैंडिडेट ने आपको 12 साल का एक रेज्यूमे भेजा और उसने क्लेम किया कि उसको 12 साल का एक्सपीरियंस है और उसका DOV है 95, 1995, आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा शॉकिंग है 95, तो इसने आपको ये चेक करना है इसने कब अपना बैचलर डिग्री किया होगा या मास्टर किया होगा, उसके बाद इसमें 12 साल एक्सपीरियंस भी चेक किया कैसे कर लिया, ओके। तो फिर आपको उसका वीजा चेक करना है ना, आपको सबसे पहले उसका पासपोर्ट नंबर मांगना है H1, अगर वो H1 वीजा है तो H1 कॉपी या DL कॉपी मांगना है ना, और फुल DOB और फुल लीगल नेम, फिर चेक आपको चेक करना है। तो अगर उसका 90 फेक कैंडिडेट है तो आपको आप चेक कर रहे हैं ट्रैवल हिस्ट्री, तो अगर वो फेक है तो वो आपको देगा ही नहीं, या तो वो आपका फुल लीगल नेम आपको नहीं बताएगा, या उसकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं बताएगा, पासपोर्ट नंबर आपको शो नहीं करेगा, या तो अगर आप फेक कैंडिडेट है तो आपको बताएगा नहीं, और जैसे ही आप ट्रैवल हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा नो रिकॉर्ड फॉर्म, ओके। तो फिर जब फिर आप बार बार 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपको यही मिलेगा कैंडिडेट का ट्रैवल हिस्ट्री, ना तो ट्रैवल हिस्ट्री सर्च होगी ना I-94 ट्रैक होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, आप कैंडिडेट को कॉल करेंगे कि आई एम नॉट गेटिंग योर ट्रैवल हिस्ट्री, सो फिर जो फेक कैंडिडेट है आपको एक बहाना बनाएंगे कि आई रेज कंप्लेन इन USRC, देर इज अ टेक्निकल ग्लिच दैट इज वाई यू आर नॉट गेटिंग, सो तो इस कंडीशन में जो फेक कैंडिडेट है आपको कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे कि कुछ टेक्निकल मिस्टेक है जिसके कारण आपको नहीं मिल रही है, मैंने एक US गवर्नमेंट को एक कंप्लेन रेज की है, टिकट जनरेट किया है, पर मेरे पास ऑलरेडी एक स्क्रीनशॉट है, ट्रैवल हिस्ट्री का मैं भेज देता हूँ, है ना। तो आपको एक काम करना है, जब तक अगर आप कॉप टू कॉप पोजिशन पे काम कर रहे हैं और आपके पास, तो आपको कैंडिडेट की ट्रैवल हिस्ट्री चेक करना है, I-94 चेक करना है। अगर कैंडिडेट की ट्रैवल हिस्ट्री आपको नहीं मिल रही है, कैंडिडेट का I-94 डॉक्यूमेंट भी आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कैंडिडेट इज फेक, आपको किसी भी कंडीशन में उस कैंडिडेट को सबमिट नहीं करना है। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है किसी भी रिक्रूटर की, अगर वो कॉप टू कॉप पे कर रहा है, तो कैंडिडेट की ट्रैवल हिस्ट्री आपको चेक करना है। इफ यू आर नॉट गेटिंग ट्रैवल हिस्ट्री और इफ यू आर नॉट गेटिंग I-94 डॉक्यूमेंट, ओके, सो इट्स क्लियरली मीन्स दैट दिस इज अ फेक कैंडिडेट, ओके। सो ऐसे कैंडिडेट को आपको फर्स्ट पहली ही बार में रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि उस कैंडिडेट के रेज्यूमे को किस कंपनी ने भेजा है, तो उस कंपनी के रेज्यूमे को आपको नेक्स्ट टाइम कंसिडर नहीं करना है, कि अगर वो एक अगर फेक रेज्यूमे आपको भेज रहा है तो मे बी तो हायर पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसी कंपनियां फेक रेज्यूमे बनाती है, तो ऐसी कंपनियों को आप
को कंसिडर नहीं करना है। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि कोई कैंडिडेट है, ठीक है, एक्चुअल कंडीशन बात करते हैं और वो कंडीशन के बारे में भी बात करते हैं जो आपको बता रहा है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट यूएस में आया स्टडी के लिए, F1 के लिए, है ना, F1 वीजा पे आएगा, मास्टर डिग्री करने, बैचलर डिग्री करने, और वो पढ़ाई कर लेगा, या तो बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेगा, मास्टर डिग्री कर लेगा। तो मास्टर डिग्री जैसे ही करता है उसको OPT वीजा मिल जाता है। अब OPT वीजा मिल गया है उसको, इफ ही गॉट OPT वीजा, ही इज ट्राइंग टू गेट सम जॉब बट ही इज नॉट गेटिंग जॉब, ओके। सो अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या एक दो साल का एक्सपीरियंस है और वो यूएस में स्टडी के लिए आया है, या तो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, ठीक है, और उसने अपना कर लिया है, बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है और मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ही गॉट OPT वीजा, उसको OPT वीजा मिल जाता है, लेकिन वो ट्राई करता है कि उसको कुछ जॉब मिल जाए, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती है। ये मैं रियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि ही डजंट हैव एनी एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाई ही इज नॉट गेटिंग जॉब। तो ऐसे ऐसे OPT कैंडिडेट क्या करते हैं, ऐसे OPT जो कैंडिडेट है इनका DOB होता है या तो 93, 95, 96, 97, 98, 2000 तक आपको मिलेंगे, है ना। तो इनका DOB ध्यान रखिएगा, जो OPT कैंडिडेट है इनका DOB आपको मैक्सिमम 93 से के बाद से मिलेगा, ठीक है। तो ये कैंडिडेट क्या करते हैं, इन कैंडिडेट को कुछ कंपनियां रीच करती है मार्केटिंग के लिए। तो क्योंकि इन कैंडिडेट को जॉब, इन कैंडिडेट का जो एम होता है वो यही होता है कि वो जॉब OPT वीजा के बाद या तो OPT वीजा पे जॉब करे, या OPT के बाद H1, H1 के बाद GC और सिटीजन, ओके। तो क्योंकि ये ऑलरेडी, तो ये OPT कैंडिडेट क्या होते हैं, इनको जॉब नहीं मिलती है, तो ऐसे में इनके पास कुछ कंपनियां पहुंचती है, कॉल करती है और बोल इन्हें वादा करती है, प्रॉमिस करती है कि हम आपको हेल्प करेंगे जॉब पाने में, ठीक है। तो ये फेक, ये कंपनी क्या करती है, कैंडिडेट के पास एक्चुअल में कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं, या होता भी तो बहुत कम होता है, तो उसे 10-12 साल बना देती है, उसके DOB या तो सेम DOB रखती है या डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर देती है। अगर उसका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 95 है, 1990 का बना देगी, उसका एक्सपीरियंस है 1 साल या 2 साल या कुछ भी नहीं, तो उसको 10-12 साल बना देंगे, उसका एक फेक H1 वीजा बना देंगे, है ना। तो इस तरह के फिर ये कैंडिडेट क्या है, ऐसी कंपनियां फिर इन कैंडिडेट की मार्केटिंग स्टार्ट करती है। आपने कोई भी जॉब पोस्टिंग की तो ये इनका रेज्यूमे भेज देंगे, तो फिर आप जैसे आपको रेज्यूमे मिला, रेज्यूमे तो ठीक है, तो आपका क्या, आप क्या करेंगे, आप उसके एम्प्लॉयर से बात करेंगे, रेट की बात करेंगे, रेट की बात भी हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, कैंडिडेट का H1 मांगेंगे, क्योंकि उसने H1 के लिए क्लेम किया, H1 मांगेंगे, DL मांगेंगे, पासपोर्ट नंबर मांगेंगे, मांगेंगे फुल लीगल नेम मांगेंगे, फुल डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे, लेकिन और जैसे ही आप, ठीक है, आपने रेट कंफर्मेशन भेज दिया है या पहले आपने डॉक्यूमेंट मांग लिए, मैक्सिमम आप RTR भेज देते हैं, मान लेते हैं हम, तो RTR भेजा, तो कैंडिडेट फेक कैंडिडेट का आपको फुल लीगल नेम दे दिया, आपको H1 दे दिया, DL दे दिया, लेकिन वो आप, ठीक है, एक फेक आपको DL दे दिया जिससे DOB आपको पता लगती है, लेकिन वो कैंडिडेट आपको पासपोर्ट नंबर नहीं देंगे क्योंकि फेक कैंडिडेट है, ठीक है। तो पासपोर्ट नंबर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप उसकी ट्रेवल हिस्ट्री को पता नहीं कर सके या उसकी I-94 कॉपी को आप चेक नहीं कर पाए, इसलिए आपको पासपोर्ट नंबर नहीं दिया जाता है। अगर आपको कोई पासपोर्ट नंबर नहीं देना है तो आपको पहली बार में ही उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको पासपोर्ट नंबर इसीलिए नहीं दे रहा है कि वो फेक कैंडिडेट है और उसकी एक्चुअल स्टेटस आपको पता ना लग जाए, इसलिए नहीं दिया जाता, ठीक है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना, सेम एग्जाम्पल, कोई OPT कैंडिडेट है, सॉरी, वो US में F1 वीजा पे आया है किसी स्टडी के लिए, एज ही कंप्लीट हिज बैचलर मास्टर ही गॉट OPT, देन ही स्टार्ट, ओके, सो हैज ही गॉट OPT एंड ही ट्राइज टू गेट सम जॉब, बट ड्यू टू लैस एक्सपीरियंस ही अनेबल टू गेट जॉब। सो इन डेट कंडीशन व्हाट दे डू,
सो ऐसे कैंडिडेट जो है इनका फुल लीगल, ये एक अलग एग्जाम्पल है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कैंडिडेट का फुल लीगल नेम भी जेन्यून होता है, डेट ऑफ बर्थ भी जेन्यून होता है, पासपोर्ट नंबर भी जेन्यून होता है, लेकिन इनका एक्सपीरियंस फेक होता है ना, जेन्यून एक्सपीरियंस विद फेक एक्सपीरियंस। तो इसमें जैसे ही आपको 10-12 साल का एक्सपीरियंस मिला, आप चेक करेंगे, ठीक है, जेन्यून, क्या एवरीथिंग इज राइट, सो आप एम्प्लॉयर को फोन करेंगे, रेट डिस्कस करेंगे, और आप रेट डिस्कस करेंगे, आप कैंडिडेट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे कि भाई कैंडिडेट कब आया और आपको क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है कैंडिडेट के रेज्यूमे को सबमिट करने के लिए। ठीक है, आपने रेट डिस्कस कर लिया और एम्प्लॉयर ने क्लेम किया कि कैंडिडेट इसी साल या लास्ट ईयर, इसी सेम लास्ट ईयर ही केम इन US ऑन H1 वीज़ा। आपने एम्प्लॉयर से, ध्यान रखिएगा, आपने एम्प्लॉयर से बात की, एम्प्लॉयर ने ये, एम्प्लॉयर ने कंसल्टेंट के एम्प्लॉयर ने ये क्लेम किया कि जो कंसल्टेंट है वो लास्ट ईयर H1 वीज़ा पे आया, तो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। अगर कोई कंसल्टेंट कोई एम्प्लॉयर ये क्लेम कर रहा है कि वो इस साल या लास्ट ईयर आया, तो आपको फिर उसका डीओ सारे सारे डॉक्यूमेंट आपको लेना है, RTR आपने भेज दिया, RTR भेजने से कुछ नहीं होता है ना, तो फुल लीगल नेम लेना है आपको, फुल डीओ भी लेना है, पासपोर्ट नंबर लेना है, उसका H1 वीज़ा लेना है, DL लेना है, फिर आपको ट्रैवल हिस्ट्री चेक करना, ठीक है, आपने ट्रैवल हिस्ट्री चेक की, ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री में ये पता लग जाएगा लास्ट ईयर आया, ठीक है, लास्ट ईयर आया इसका मतलब H1 वीज़ा भी हो सकता है या OPT वीज़ा हो सकता है। I-94 चेक किया तो आपको I-94 नहीं मिल रहा है, जैसे अगर आपको I-94 कॉपी नहीं मिल रही तो फिर आपको शक करना है, डाउट करना है, ठीक है, अगर I-94 नहीं मिल रही है इसका मतलब आप कैंडिडेट का आपको स्टेटस पता नहीं लग रहा है, तो अगर ट्रैवल हिस्ट्री मिल रही है इसका मतलब ये कैंडिडेट का फुल लीगल नेम जेन्यून है, डीओ भी जेन्यून है, पासपोर्ट नंबर जेन्यून है, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट जो OPT होते हैं, लेकिन कैंडिडेट क्लेम कर रहा है H1, सो एक्चुअल में जो कैंडिडेट होता है ये OPT होते हैं, ठीक है, तो ये कैंडिडेट क्या है, इनके पास ये, इन्होंने आपको करेक्ट डीओ भी दी है, करेक्ट नेम दिया है, करेक्ट पासपोर्ट नंबर दिया है, लेकिन इन्होंने आपको फेक वीजा दिया है, तो आपको ये चेक करना है, अगर ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिल रही है और उसका एम्प्लॉयर या कंसल्टेंट ये क्लेम कर रहा है कि उसको H1 वीजा है, ठीक है, अगर आप H1 वीजा भी, आप जैसे कि हमने बोला कि इस H1 वीजा के 2 पेज होते हैं, ऊपर और नीचे, तो दोनों में स्कैनर एक बार कोड होता है, तो उसको चेक करना है, तो आप स्कैन करेंगे तो पता लग जाएगा फेक है, ठीक है, तो इसमें कैंडिडेट के पास OPT वीजा होता है, लेकिन और उसका DOB भी आपको 93-94 मिलेगा, तो ये क्या करते हैं, इनको जॉब नहीं मिलती है तो कुछ कंपनियां इनको रीच करती है, इनके OPT का स्टेटस चेंज करके H1 कर देती है और इनके एक्सपीरियंस को बढ़ा देती है, 10 से 12 साल कर देती है, इनके पास एक्चुअली में OPT वीजा होता है और इनका जो वीजा H1 वीजा फेक होता है और इनकी ट्रेवल हिस्ट्री आपको नहीं मिलती है और उनका एक्सपीरियंस भी फेक होता है ना, तो आपको ये चेक करना है, तो मैक्सिमम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो फेक कैंडिडेट्स होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, जो फेक कैंडिडेट होते हैं एक्चुअल में मोस्ट प्रोबेबली इनका जो वीजा होता है OPT वीजा होता है, इनकी DOB 93 के बाद की होती है और इनको दे आर नॉट, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, इसीलिए इनको जॉब नहीं मिलती है, तो इनको कई कंपनियां रीच करती है और रीच इसीलिए करती है क्योंकि इनको जॉब नहीं मिलती। अब कैंडिडेट को जॉब क्यों नहीं मिलती, कई कारण है, एक तो इनके पास 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता है और इनके पास H1 वीजा नहीं होता है ना, अगर कोई OPT पे वीजा आया है, कोई फ्रेशर कैंडिडेट आया है जिसकी स्टडी के लिए, तो उसके पास F1 वीजा होगा, स्टडी के बाद OPT वीजा मिल जाएगा, लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा, वो H1 वीजा कहाँ से लाएगा। मैक्सिमम जो कंपनियां हैं 10 टॉप पोजीशन में 10 से 12 साल मिनिमम एक्सपीरियंस को काउंट करती है और H1 वीजा को काउंट करती है, तो ये OPT कैंडिडेट क्या होते हैं कि जॉब पाने के लिए ये कई कंपनियों को परमिट कर देते हैं, या कुछ कंपनियां होती है, सभी कंपनियां नहीं, तो इसमें ये क्या, दे मेक फेक वीजा, ठीक है, कई फेक कंपनियां होती है, फेक वीजा बना देते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी फेक मेंशन कर देंगे, तो क्या होगा,
आप जैसे आपको रेज्यूमे मिला 10 से 12 साल एक्सपीरियंस, आप वीजा उन्होंने भेजा आपको H1 वीजा, तो आपको लगेगा जेन्यून है, लेकिन जब आप ट्रेवल हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको ट्रेवल हिस्ट्री तो मिल ही नहीं रही है। हाउ यू कैन जज दिस इज द जेन्यून कैंडिडेट, दिस इज द फेक कैंडिडेट। ओके, इसके बाद आपको ग्रीन कार्ड, आपको सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड मिलेंगे, और एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रीन कार्ड का पासपोर्ट नंबर आप ट्रैक नहीं कर सकते। अगर कोई ग्रीन कार्ड का अर्थ होता है परमानेंट रेजिडेंट, और तो जो फेक कैंडिडेट है मैक्सिमम वो अपने आप को जीसी बताएंगे, ग्रीन कार्ड बताएंगे, परमानेंट रेजिडेंट बताएंगे, और 10 से 12 साल का उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा या लेस देन 10 ईयर्स भी एक्सपीरियंस होगा। लेकिन आपको अगर कोई ग्रीन, आपको जब भी किसी ग्रीन कार्ड को आप सबमिट कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड का रेज्यूमे आपको मिला है, या कोई कैंडिडेट अपने आपको ग्रीन कार्ड बता रहा है, तो आपको डाउट करना है। ओके, 99% या 90% या 99% आपको फेक जीसी मिलेंगे। तो उस कंडीशन में आपको जीसी के रेज्यूमे को आपको सबमिट करने से बचना है, और उन्हीं ग्रीन कार्ड को आपको सबमिट करना है जिससे आपका आपको ये विश्वास हो जाता है कि दिस इज द जेन्युइन कैंडिडेट। सो ग्रीन कार्ड क्या होते हैं, वो भी ओपीटी होते हैं। कोई H1 वीजा, अगर किसी के पास जेन्युइन H1 वीजा है तो वो तो ग्रीन कार्ड बनाएगा नहीं, तो ग्रीन कार्ड कौन बनाएगा, ओपीटी, जो अभी F1 वीजा पे आए हैं, उन्होंने अपनी बैचलर या मास्टर डिग्री कंप्लीट की है, या उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको जॉब नहीं मिल रही, तो ग्रीन कार्ड बता देंगे। ग्रीन कार्ड बताने का फायदा ये कि उनको अपना पासपोर्ट नंबर बताना नहीं पड़ेगा, या वो बताएंगे भी तो कुछ भी, अगर आपको हर एक कैंडिडेट से पासपोर्ट नंबर मांगना है, ठीक है, तो जो फेक कैंडिडेट होंगे वो आपको कुछ भी उल्टा सीधा या गलत पासपोर्ट नंबर दे देंगे, आप गलत पासपोर्ट नंबर या DOB गलत दे देंगे, तो जब आप ट्रेवल हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि आप यू कैन गेट ट्रेवल हिस्ट्री। ओके, दे आर द फेक कैंडिडेट, दैट इज जेन्युइन जीसी का भी आपको आप ट्रेवल हिस्ट्री चेक नहीं कर सकते, है ना। तो मान लीजिए कि कोई ओपीटी कैंडिडेट है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो अपने आप को कोई XYZ कुछ भी कंपनी, एक एग्जांपल है ना ये, तो वो उसका एक फेक जीसी बनाएगी, उसका 10-12 साल का एक्सपीरियंस मेंशन कर देगी, वो कोई भी जॉब ओपनिंग आती है तो वो कैंडिडेट के रेज्यूमे को शेयर कर देगी, और किसी भी रिक्रूटर को वो रेज्यूमे मिलेगा तो जब वो देखेगा तो ये लाइक्स कैंडिडेट रेज्यूमे एंड कॉल। लेकिन हर एक आपको हर एक कैंडिडेट से कैंडिडेट का फुल लीगल नेम, DL नेम, वीजा, ओके, और पासपोर्ट नंबर, फुल DOB करेक्ट मांगना, और अगर आप ग्रीन कार्ड है तो ग्रीन कार्ड की फ्रंट साइड, ग्रीन कार्ड की दो कॉपी होती है, एक आगे की और एक पीछे की, फ्रंट साइड और बैक साइड, तो आपको दोनों कॉपी मांगना है ना, तो और पासपोर्ट नंबर मांगना है ना। वैसे भी जेन्युइन कैंडिडेट की आप चेक नहीं कर सकते, तो आपको मांगना है, फिर आपको कैंडिडेट का ग्रीन कार्ड चेक करना है ना, पहले इसकी जो सबसे आगे की कॉपी होती है, फ्रंट साइज की जो कॉपी है वो देखना है, उसको आपको देखना है, आपको जो कैंडिडेट का नाम, वीजा की एक्सपायरी और कब वीजा मिला, DOB, इनके अल्फाबेट चेक करना, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ है नहीं, है ना, और एक वाटर, जो कैंडिडेट का DOB होता है उस, वो वाटर फॉर्म, वाटर मार्क के फॉर्म में एक लेफ्ट साइड में मिलेगा, वो चेक करना है। तो आपको चेक करना है कि उसका जो DOB उसने मेंशन किया हुआ है, वो DOB आपको उसने फिजिकली बताया वो DOB है, या वो DOB जो लेफ्ट साइड में एक वाटर मार्क है, जो ग्रीन कार्ड होता है उसमें जो DOB है लेफ्ट साइड में, जो फ्रंट साइड जो सबसे आगे की कॉपी होती है लेफ्ट साइड में खड़ा, जो आपको खड़े अल्फाबेट में आपको उसका DOB दिखाई देगा, आपको चेक करना है सेम DOB है या नहीं। इसमें मैक्सिमम क्या होता है, जो फेक कैंडिडेट होते हैं फेक कैंडिडेट ही होते हैं मैक्सिमम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक पोजीशन पे काम कर रहा था, तो मुझे एक ग्रीन कार्ड मिला, मैंने उसका फ्रंट चेक किया तो एवरीथिंग इज राइट, लेकिन जब उसका DOB चेक करा वाटर मार्क पे, उसका DOB तो करेक्ट लिखा है, लेकिन जो मेल या फीमेल का स्टेटस होता है कि व्यक्ति मेल है या फीमेल, तो फीमेल लिखा हुआ था। तो फेक कैंडिडेट का ऐसे ही होता है कि जो फेक कैंडिडेट होता है वो कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, और एक थोड़ा सा
सर्पिला कार एक लेफ्ट साइड में वो टॉप पे आपको वो नेम कैंडिडेट का DOB चेक करना है ना। तो वो भी चेक करना है आपको कि वो प्रॉपरली लिखा है या नहीं है, या कुछ अलग प्रकार के अल्फाबेट में लिखेगा, लिखा अगर लिखा है तो फेक है। फिर आपको बैक साइड का चेक करना है। बैक साइड में क्या होगा, बैक साइड में आपको कैंडिडेट का एक तो बारकोड होता है वो चेक करना है ना, और कैंडिडेट के वीजा की एक्सपायरी डेट चेक करना है, एक्सपायरी डेट चेक करना है और कैंडिडेट का DOB। तो बैक साइड में क्या होता है, एक स्कैनर लगा होगा, एक बारकोड होगा, तो वो आपको अपने मोबाइल पे एक बारकोड का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना करना है, फिर उसको स्कैन कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा वहीं पे उसके बारकोड के नीचे एक नंबर लिखा होगा, अगर वो सेम नंबर आता है तो जेन्युइन है, लेकिन उसके बाद भी आपको चेक करना है। तो जो ग्रीन कार्ड की जो बैक साइड की कॉपी होती है उसके नीचे आपको कुछ अल्फाबेट कुछ नंबरिंग लिखा होगा वो आपको चेक करना है। उसमें आपको कैंडिडेट का DOB आपको लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड के बाद कुछ इंग्लिश में FML ऐसे कुछ लिखा होगा, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी। तो मैक्सिमम फेक कैंडिडेट क्या है वो उनको पता ही नहीं होता है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। वो आगे का तो कुछ एडिट कर लेते लेकिन पीछे का वो एडिट नहीं कर पाते। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक कैंडिडेट का रेज्यूमे मुझे मिला था, उसकी वीजा GC की एक्सपायरी डेट थी 2032 और नंबरिंग में उसमें 2033 लिखा हुआ था, दोनों में वेरिएशन था। इसका मतलब है दिस इज द फेक GC। ओके, और एक बात हो रही है, अगर आपको कोई भी GC EAD मिलता है तो GC EAD की आप ट्रैवल हिस्ट्री और I-94 चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए कोई भी अगर GC EAD आपको मिलता है तो आपको उसका ट्रैवल हिस्ट्री और I-94 चेक करना है। GC EAD मैक्सिमम आपको करेक्ट GC EAD मिलेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसे GC EAD कैंडिडेट मिलते हैं जो आपको पासपोर्ट नंबर शेयर कर रहे हैं, उसकी आपको ट्रैवल हिस्ट्री मिल रही है, उसकी आपको I-94 कॉपी मिल रही है, तो और एवरीथिंग इज राइट, 10 से 12 साल का अगर उसको एक्सपीरियंस है तो दैट इज द जेन्युइन GC EAD। ओके, सो GC EAD की आप ट्रैवल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, लेकिन आप GC ग्रीन कार्ड की ट्रैवल हिस्ट्री चेक नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट आपको ऐसा क्लेम कर रहा है कि उसको 2-3 साल में ग्रीन आते से ग्रीन कार्ड मिल गया, 2-3 साल में मिल गया, लेस देन 10 ईयर्स मिल गया, तो आपको डाउट रखना है, आपको डाउट करना है, ठीक है, क्योंकि US में ग्रीन कार्ड मिलना आसान नहीं होता है कहीं, इट इज नॉट इजी टू गेट GC। लेकिन हमें जिस तरह के रेज्यूमे मिलते हैं, 1 साल 2 साल, आपको कई तरह के कैंडिडेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको दावे करेंगे कि माई फैमिली लिव इन US सो दे स्पॉन्सर माई वीजा। ओके, पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है, और दूसरे ये बोलेंगे कि मैंने US सिटीजन से शादी कर ली इसलिए मुझे GC मिल गया। थर्ड ये बोलेंगे कि मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर किया है, इस तरह के GC आपको मिलेंगे, है ना। और जो जिन भी कैंडिडेट की ट्रैवल हिस्ट्री आपको नहीं मिल रही है, वो कैंडिडेट क्या क्लेम करेंगे, वो करेंगे कि कुछ टेक्निकल इशू है, मैंने US गवर्नमेंट को कंप्लेन किया है, टिकट रेस किया है, तो इट्स टेक सम टाइम, बट मेरे पास प्रीवियसली एक स्क्रीनशॉट है तो मैं वो भेज देता हूँ। तो अगर कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल रही है तो आप कैंडिडेट से पूछेंगे जनरल से, एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि आई एम नॉट गेटिंग योर ट्रैवल हिस्ट्री, तो उस कंडीशन में उनका यही जवाब होगा कि कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल ग्लिच है, तो मैंने कंप्लेन रेज की है तो इसीलिए नहीं निकल पा रही है। तो फेक कैंडिडेट होगा तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ से मिलेगी, जब आपको अपना पूरा करेक्ट DOB बता ही नहीं रहा, अपना फुल लीगल नेम नहीं बता रहा, अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा, अपना अराइवल डेट नहीं बता रहा है, तो दैट इज द फेक कैंडिडेट, ठीक है। तो इस तरह से आप फेक कैंडिडेट को जज कर सकते हैं, और जो जेन्यून है वो आपके सभी क्राइटेरिया पे, आपका क्राइटेरिया क्या होगा, किसी भी चाहे ग्रीन कार्ड है या H1 है या कोई भी वीजा है, सबसे पहले आपको मिनिमम 10 या 12 साल, कैंडिडेट के पास 10 से 12 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट की DOB मैक्सिमम आप 93 तक कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपको 90 तक करना है, या उसके पहले तक की आपको ऐसे कैंडिडेट को ही सबमिट करना है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 92 93 तक है मैक्सिमम, है ना।
और तीसरा फिर हर एक कैंडिडेट का आपको फुल लीगल नेम लेना है, डीएल लेना है, हर एक कैंडिडेट का आपको फुल लीगल नेम लेना है, फुल डीओबी लेना है, पासपोर्ट नंबर लेना है, ट्रैवल हिस्ट्री चेक करना है, I-94 चेक करना है। अगर किसी कैंडिडेट की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल रही है, I-94 कॉपी नहीं मिल रही है, इट्स मीन दिस इज अ फेक कैंडिडेट। अगर किसी कैंडिडेट की ट्रैवल हिस्ट्री मिल रही है लेकिन I-94 कॉपी मिल रही है, तो इसका मतलब वो कैंडिडेट ओपीटी वीजा है, वो H-1 वीजा नहीं है, वो जीसी नहीं, जीसीईडी नहीं है। और इस तरह से आप चेक कर सकते हो सब। और कैंडिडेट को फिर आपको टेक्निक, फिर आपको जो बारकोड होते हैं, चाहे H-1 में हो या जीसी कार्ड में हो, तो आपको बारकोड को स्कैन करना है। फिर बारकोड जैसे स्कैन करेंगे तो उसका जो आपके मोबाइल से आपने जो स्कैन किया, तो वो उसमें आपको नंबर चेक करना है कि स्कैनर के नीचे एक नंबर लिखा होता है वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो जेन्यून है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो फेक है। इसके बाद आपको ग्रीन कार्ड की बैक साइड की कॉपी चेक करना है, उसमें एक्सपायरी डेट करेक्ट है या नहीं, एवरीथिंग इज राइट और नॉट। इसके बाद आपको कैंडिडेट से टेक्निकल क्वेश्चन पूछना है। जब भी आप टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको चेक करना है कि कहीं बैकग्राउंड रिक्रूट, जैसे कि जो बेंसल्स रिक्रूटर होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, वही कैंडिडेट बन के आपसे बात कर लेते हैं, तो उनके आसपास वो भी, उनके जो कलीग्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट जॉब से रिलेटेड कंसल्टेंट की मार्केटिंग करते हैं। तो आपको बैकग्राउंड में कुछ, अगर ये ध्यान देना है कि बैकग्राउंड में कुछ रिक्रूट ऐसी आवाज़ें तो नहीं आ रही है, अगर कोई आवाज़ आ रही है इस मीन्स दिस इज द बैंक सेल्स रिक्रूटर, नॉट ए कंसल्टेंट। फिर आपको कैंडिडेट से टेक्निकल क्वेश्चन पूछना है, कैंडिडेट और आपको टेक्निकल क्वेश्चन वीडियो कॉल करके, एक टेक्निकल स्क्रीनिंग कॉल आपको स्केड्यूल करना है। फिर कैंडिडेट को आप, अगर कैंडिडेट आता है आपके टेक्निकल, आपको कैंडिडेट के हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखना है, इधर उधर जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं इधर उधर ऊपर नीचे तो नहीं देख रहा है, अगर देख रहा है मतलब दिस इज नॉट, कैंडिडेट के पास फेक एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से आप कैंडिडेट के रेज्यूमे को चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें ज्यादातर आपको कोई बताएगा नहीं, और ये एक्सपीरियंस पर बेस्ट चीज होती है। अगर ये एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप किसी भी कंपनी में ऐसे USITI रिक्रूटर जॉब पा सकते हैं। आप जेन्युइन कैंडिडेट को सबमिट करके, अगर आप किसी भी जेन्युइन कैंडिडेट को सबमिट करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो कैंडिडेट हैं वो शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको इंटरव्यू आएगा, उनका जॉब ऑफर आएगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपका कंपनी में अच्छा स्टेटस होगा, और आप एक अच्छे रिक्रूटर बन के काफी आगे तक इस US स्टाफिंग कंपनी में जा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।